वाहनों की आवाजाही के लिए फिर से खुला मुगल रोड। बर्फबारी के कारण 2 दिनों तक बंद रहने के बाद पुंछ और राजौरी के जुड़वा जिलों को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ने वाला मुगल रोड बुधवार को दोनों तरफ के यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी कि एहतियाती कारणों से सड़क को बंद कर दिया गया था और इसे यातायात के लिए अब खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश और हिमपात हो रहा था और इसी कारण जम्मू के राजौरी और पुंछ जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाली सड़क के ऊंचाई वाले पीर की गली हिस्से में 3 फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई थी। साथ ही साथ पुंछ में मुगल रोड पर कई फीट बर्फ जम गई थी, जिसको हटाने के लिए काम तेजी से चल रहा था। आज रास्ता क्लियर होते ही गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। मुगल रोड 2 दिन बंद रहने के बाद आज जो मौसम थोड़ा इम्प्रूव हुआ, इस मौसम में कंडीशन में तो हमारे जो स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन स्टाफ था उसने दोबारा स्नो क्लियरेंस जो है वो रिज्यूम किया अर्ली इन द मॉर्निंग में। तो उसको हमने अब तकरीबन 12 बजे तक इसको डबल लाइन क्लियर कर दिया था और अब ट्रैफिक के लिए जो रोड है ट्रैफिक वर्क दिया और ट्रैफिक इसमें आराम से अप्लाई कर सकती है आप दोनों के लिए। और कश्मीर एरिया से भी ये रोड क्लियर कर दिया। क्या लगता है कब तक ये मोड रहेगी? ये अब डिपेंड करता है, जो हमारा जो एरिया ये जो मुगल रोड का ये तकरीबन 11,500 फीट की हाइट पे ये सिचुएटेड है। वहाँ पे काफ़ी माइनस टेम्परेचर रहता है। जब तक इसको फ्रॉस्ट नहीं लगता है तब तक फ्रॉस्ट टेम्परेचर बना रहेगा तो ये रोड जो है ट्रैफिकेबल रहेगी। और जब तक मौसम साफ़ रहेगा उसका काफ़ी हैवी अगर अवलांचेज ना आ जाए इस एरिया में तब तक हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो पूरी कोशिश करता है और जिस साहब के सुपरवीजन में इसको हम मैक्सिमम टाइम तक इसको खोल बनाए रखें।